नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये शुक्रवार सावन का प्रथम शुक्रवार है। मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि जो भी व्यक्ति लाइफ में चाहता है कि धन रहे, ऐश्वर्य रहे, सुख और समृद्धि का वास रहे, उसको हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करनी ही चाहिए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, दोस्तों आप लिख लो, जिंदगी में कभी गरीबी उसको छू नहीं सकती। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई दूसरे ग्रह नक्षत्र यदि हमें थोड़े परेशान कर रहे हैं, तो कभी थोड़ा समय लग जाता है। उपायों को करते हुए, पूजा पाठ को करते करते कुछ समय लग जाता है, लेकिन रिजल्ट आता है और जबरदस्त आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज दोस्तों शुक्रवार ही है और ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, ये उपाय करने मात्र से, क्योंकि इसमें आपको कोई पूजा पाठ करना नहीं है, कोई जप नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, छोटा सा एक काम, हमेशा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसाता रहता है। जानकारी अच्छी लग जाए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी तमाम वीडियो प्राप्त करने के लिए, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन कोशिश करें खट्टी चीजें ना खाएं। आम है, इमली है, इस टाइप की खट्टी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। खट्टी चीजें खाने से आपके जो शुक्र हैं वो कमजोर बनते हैं। खट्टी चीजों से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप दूर रहें। शुक्रवार के दिन ब्लैक रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। ब्लैक कलर दोस्तों किसी भी पूजा पाठ में, हाँ सिवाय कि आप शनि की पूजा कर रहे हैं, किसी का मारण कर रहे हैं, शत्रुनाश की कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी का उच्चाटन कर रहे हैं, किसी चीज का अगर आपको एंड करना है और आप काले कपड़े पहनते हैं, अलग बात है। लेकिन शुद्ध सात्विक घर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने वाली कोई भी पूजा है, रिमेम्बर ब्लैक कपड़ा कभी ना पहने। कभी भी आपके घर में कोई अच्छा प्रसंग भी हो रहा है, कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर लोग, कई लोग ऐसे जिनको ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो वो ब्लैक कलर पूजा पाठ में भी पहन लेते हैं, पूजा पाठ में। हाँ, जो वैरागी लोग हैं उनके लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ हैं जिनके मन पर तमाम चीजों का इफेक्ट होता है, ब्लैक कलर बिल्कुल ना पहने। दूसरा, ब्लू कलर, वशीकरण की यदि आप कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, वशीकरण का कोई भी यदि आप कार्य कर रहे हैं और आप ब्लू कपड़े पहनते हैं तो जायज है, लेकिन घर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी, आप चाहते हैं आपके घर की सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी कोई पूजा कर रहे हैं, नीले रंग के कपड़े कदापि नेवर आपको पहनना नहीं है, ठीक है। शुक्रवार के दिन दोस्तों या तो आप व्हाइट रंग के कपड़े पहने, तो जो शादीशुदा महिला है वो पूरा व्हाइट नहीं पहनती है, तो आप रेड कलर मिक्स करके पहने, तो या फिर आप व्हाइट पहने या रेड पहने या दोनों मिक्स हो ऐसे कलर पहने, इससे आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। दूसरा, शुक्रवार के दिन बिना भूले आप घर में खीर जरूर बनाए, खीर बनाए और खीर में आप जायफल, इलायची, इन चीजों को जरूर डालें। वैसे तो आप जो पंचमेवा आता है वो डाल करके बनाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि दोस्तों जो खीर पूर्वजों को चढ़ाई जाती है उनमें पंचमेवा नहीं डाला जाता। जब किसी की डेथ होती है और जो खीर बनती है उसमें पंचमेवा नहीं पड़ता, लेकिन जो खीर देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है उसमें पंचमेवा पड़ता है। तो शुक्रवार की संध्या समय आप खीर बनाएं, पंचमेवा आपके घर में है आप जरूर उसे डालें, नहीं है गुलाब की पत्तियां या थोड़ा सा गुलाब जल, बिल्कुल जरा सा,
खीर में जरूर डालें। इलायची है तो ग्रीन इलायची जरूर डालें, थोड़ा सा जायफल है तो वो डालें। मतलब तीनों में से कोई भी है, तीनों ही चीजें हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं है कोई भी एक चीज है खीर में जरूर डालें। और वो खीर कोशिश करें एक कटोरी में निकालें और माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया अगरबत्ती लगाकर उस खीर का आप भोग लगा दें माता रानी को। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो भी खीर तो जरूर बनाएं। और शुक्रवार के दिन घर के प्रत्येक मेंबर को खीर खानी ही खानी है, जिसको मीठा नहीं हो पसंद वो थोड़ा सा खा ले शगुन के रूप में। जैसे बताती हूँ ना, काली चौदस की रात है, अमावस्या की रात है, थोड़े से दो दाने काले उड़द मुंह में डाल ले, ये तमाम नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं। ऐसे ही जिसे मीठा पसंद नहीं है थोड़ा सा खा ले, ज्यादा ना खाए, लेकिन शुक्रवार के दिन मीठा खाए जरूर। और अगर ये पॉसिबल है कि घर के तमाम मेंबर, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी नौकरी है व्यवसाय है, लेकिन संध्या समय जब आप इकट्ठे होते हैं, और संध्या समय ज्यादातर लोग घर में खाना सब इकट्ठे होकर के बैठ करके ही खाते हैं, है ना, तो यदि आप इकट्ठे होकर के एक जगह बैठ करके और खीर खाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में बरस पड़ेंगे। दोस्तों कोई भी क्रिया आप यूं करें और उसी क्रिया को आप पूजा समझ करके करें, दोनों के बीच में बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत। आप जो भोजन साधारण रूप से करते हैं उसी भोजन को आप भोग लगा दें भगवान को और फिर खाए तो वो आपके लिए दवाई के रूप में, औषधि के रूप में काम करेगा। आपके बॉडी के अंदर वो पॉजिटिविटी को डेवलप करता है ना। तो आज के दिन खीर जरूर खाएं, माता रानी माता लक्ष्मी को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। खाने से पहले यदि पूजा नहीं कर पाते हैं तो जब आप खाते उस समय हाथ में जल लें और जय लक्ष्मी माता माता रानी का नाम लेकर के उस खीर का भोग लगाएं, माता रानी को प्रणाम करें और पूरा घर मिल करके उसको खाए। कुछ ही शुक्रवार आप इस उपाय को करेंगे दोस्तों, घर में धन बढ़ेगा, करके देखिए। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहें। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।